देवास जिले के बागली में आबकारी विभाग द्वारा लगातार अवैध शराब के खिलाफ की गई कार्यवाही के दौरान जब्त शराब को गुरुवार के दिन नष्ट किया गया। आबकारी बागली द्वारा आबकारी अधिनियम में दर्ज किए गए प्रकरणों में जब्त की गई अवैध शराब, जिसे जिला कलेक्टर न्यायालय में निचारण उपरांत राजसात किया गया था एवं जिनकी अपील अवधि पश्चात समिति गठित कर नाश्तीकरण के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी बागली की अध्यक्षता में टेंचिंग ग्राउंड नया गाँव काली कोठी बागली में शराब को विधिवत नष्टीकरण की कार्यवाही की गई। आबकारी उप निरीक्षक प्रेम यादव ने बताया कि उक्त कार्यवाही में 4304 देसी विदेशी एवं हाथ भट्टी मदिरा को रोड रोलर से नष्ट किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 12,70,000 रुपये है। समस्त कार्यवाही उपस्थित गवाहों, समिति एवं मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में की गई। इस प्रकार की कार्यवाही बागली में पहली बार देखने को मिली है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज आबकारी विभाग के द्वारा कलेक्टर न्यायालय में जो राजसात किए हुए अवैध शराब के प्रकरण थे, उसमें अपील की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात जो भी माल मुद्दे जो जब्त थे, जितनी भी अवैध शराब जो जब्त थी, उसके विनिष्टीकरण की कार्यवाही कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्धारित कमेटी के द्वारा जो है आज यहाँ पर निष्पादित किया गया, जिसमें लगभग 12,70,000 रुपये मूल्य की अवैध शराब जो है यहाँ पर विनिष्टीकरण की कार्यवाही आज की गई। सर, आगे भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को मिली? अब जो भी अवैध शराब जब्त होती है वो कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है आबकारी विभाग के द्वारा, वहाँ पर राजसात करने की कार्रवाई होती है और राजसात के बाद भी अपील के जो है वो प्रावधान है, जिसके तहत जो है वो समय आरोपियों को या विपक्षी लोगों को जो है वो दिया जाता है और उसकी अवधि समाप्त होने के पश्चात जो है इसकी विनष्टीकरण की कार्यवाही माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर उनके आदेश पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।